पर प्रशासन मुर्दाबाद 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 पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज पानीपत की जनता ने विजय सैगल के खिलाफ लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विजय सैगल पर फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी निगम ठेकेदारी और लाइसेंस के फ्रॉड का आरोप लगाया और साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया। जनता ने पानीपत प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और पुतला भी जलाया। जनता का यह कहना है कि विजय सैगल हवा फायरिंग, लोगों से बेवजह झगड़ा और रिक्शा रेडी वालों से गाली गलौज करते हैं। जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि प्रशासन जल्द से जल्द विजय सैगल पर कार्यवाही करे। ढाई साल के अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी वो अपने बेटे के हाथों में हथियार देके उसकी फोटो खिंचवाता है। लॉकडाउन के अंदर जहाँ लोग प्रशासन घरों से बाहर नहीं निकलने देता, वो अपना वृंदावन जाता है जी। कभी रेडी वालों को पीटता है, उसको मैं मान की गालियाँ देता है। और अब जो जगह रकबा तहसील कैंप का है, सनोली रोड की निगम की जगह, जो सरकारी निगम की जगह चुंगी की, उसकी अवैध रजिस्ट्री करा गया। अगर मुकदमा जल्द से दर्ज नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी काले झंडे के साथ जब हमारे मुख्यमंत्री पानीपत आएंगे, तब इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज का प्रदर्शन पार्षद पति विजय सैगल को लेकर के है, जो जनता के रोष है, जनता के बीच में जनता सब जानती है कौन फर्जी पाड़ा कर रहा है जमीन को लेकर के। और विजय सैगल का शुरू से ही सुर्खियों में रहने की एक आदत सी बन गई है। कभी तो वो हवा फायरिंग करते और कभी किसी के साथ झगड़ा करते और कभी किसी गरीब को सताना, रेडी वाले को मार पिटाई करना, इस तरह के जो केस है वो करते रहे और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बीजेपी सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, बीजेपी नेता इसकी तरफ ध्यान कुछ नहीं दे रहे, इसलिए जनता ने मूड बनाया क्यों ना विजय सैगल के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन किया जाए।